क्या नाम है आपका? रॉबिन सिंह। कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2019 से तैयारी कर रहे हैं। पहले एयरफोर्स का किया, उसमें मेरा हो गया था, फिर लास्ट में जब ज्वाइनिंग आना था तो उसके बाद सरकार ने अग्निवीर का नियम लाके वो पीएसएल कैंसिल कर दिया और दोबारा फिर ये पेपर आउट लेखपाल में दिया। ऐसे ही लेखपाल में भी नकल हुई, लेकिन उसमें भी एक समिति बिठा दी गई, उसका फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, अभी वो कोर्ट में अटका हुआ। दूसरा ये परीक्षा हुई, लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भर्ती निकालती है, दूसरा इंजन भर्ती लीक कराती है, ना परीक्षा बढ़ेगी ना तो होगी, ऐसे ही रद्द होगी। और दूसरा ये जो साक्ष्य आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पे, इसको लोग साक्ष्य नहीं मान रहे। एविडेंस एक्ट अभी संशोधन हुआ 2023 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें साफ साफ जिक्र है कि जो भी ये प्रिंट मीडिया के सबूत है इसको भी कोर्ट में वैलिड माना जाए। क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोगों की? सरकार देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक रूप से तो सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से जो हमारा हक है हम उसको आवाज उठा रहे हैं, सरकार को सबूत भी मुहैया कराया जाना है, लेकिन सरकार को एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। बच्चे कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि जांच करके आपको मुहैया कराएं, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको कर्तव्य है कि आप बच्चों के मन में जो दुविधाएं उठ रही हैं, आश्वासन जांच की चाहिए, जांच की आश्वासन चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही चोर, आप ही कोतवाल और आप ही अपनी जाँच करो, आप ही, ये तो नहीं है ना। नेचुरल जस्टिस में लिखा हुआ है ना कि आप खुद को जो कल्प्रिट है वही खुद जांच नहीं करेगा, खुद का जज नहीं होगा। आखिरी मांग यही है कि एक ऐसा बोर्ड बचे बैठे जो ये सारी घटनाएं हो रही, सिर्फ यूपीपी का बात नहीं है, आरओ का बात है, लेखपाल का बात है, पिछली एसआई का बात है, तो ऐसी जो बच्चों के मन में शंकाएं, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनके गार्जियन अपना जो है आत्मविश्वास खो रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो सरकार ऐसा निष्पक्ष बोर्ड बिठाए और अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे, लोगों को विश्वास हो हाँ ये संवैधानिक संस्था है, अगर ये जांच करेगी तो हमें लगेगा कि हमें न्याय मिलेगा। लोग इतने पता क्यों इकट्ठा है? क्योंकि इन्हें लग रहा है जो जांच कमेटी बैठी है ये गलत करेगी, ये न्याय करेगी नहीं, नए लोग ना आते। अगर पेपर कराने की बात हो रही है, दोबारा कराने की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन ही क्या है, और क्या बचा है बताइए आप? क्या नाम है? मेरा नाम अभय प्रताप है। कहाँ से आए? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? हाँ। कब से तैयारी कर रहे हो? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहले आर्मी की तैयारी करता था, उसके बाद में मेरा और एज हो गया है, उसके बाद में मैं इस बार आर्मी में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं यूपीपी की 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद में आप कह रहे थे कि आप फेसबुक और इसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए से, ये बताइए कोई भी एग्जाम क्या ऑफलाइन होता है कि कागज देके नकल कर लो बेटा? होता है? नहीं होता है। एग्जाम जब लीक होता है तो वन टाइम वही भेजा जाता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, समझ रहे हैं आप, और इसके जरिए होता है, लेकिन ये नहीं कि आपको नकल के पकड़ा दिए, पेज पकड़ा दिए तो पेज में ये छपा हुआ है, ए का भी सही है, ये ए का दो सही है, ऐसे नहीं होता है। तो मांग हमारी बस एक ही है, री एग्जाम। क्या नाम है आपका? अभिनेत नाम है। कहाँ से आए? संत कबीर नगर से। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मांग क्या है? मांग है री एग्जाम हो। क्यों, ऐसा क्यों? जब पेपर लीक हो गया तो ये है कि निष्पक्ष पेपर करवाना चाहिए, और जब पेपर बोर्ड ही पेपर लीक कर रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या सबूत है, प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे पास है, इस जेब में है, तुरंत देखिए आप। नहीं तो जो व्हाट्सएप पे चल रहा है या टेलीग्राम पे चल रहा है उसको आप सबूत मान रहे हैं? क्यों, आपको अब लाइव दिखाएंगे तो आप सबूत मानेंगे कि नहीं? ये बताइए, आपको कब पता चला इस बात? इस बात का हमें पता तुरंत चला कि शाम को तुरंत पता चल गया था, और सुबह से पेपर भी वायरल हो रहा था, लगातार पेपर वायरल हो रहा था। अच्छा, इंडियन। अब मांग क्या है? मांग है एग्जाम कराए। हम इस वक्त इको गार्डन में मौजूद है, जहाँ पर हम आपको एक भीड़ दिखाना चाहेंगे कि लगभग 50,000 से 1,00,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभी 17-18 तारीख को यूपी पुलिस की परीक्षा दी है, लेकिन एक बड़ा आरोप है कि वो परीक्षा तो दी है लेकिन पेपर आउट हो गया, और उसी की मांग को लेकर आज यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए, सभी में नाराजगी है और सिर्फ एक मांग है कि दोबारा पेपर कराया जाए और री एग्जाम कराया जाए और इसकी सही से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही सभी जिलों में प्रोटेस्ट चल रहा है और यही मांग हो रही है कि दोबारा पेपर कराया जाए, क्योंकि एक बड़ा आरोप है और इन लोगों के पास सबूत भी है, और जिस तरीके का सबूत है, इनका कहना है कि जब सबूत हमारे पास है तो इसको लेकर जांच भी करानी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है पेपर लीक होने की, लेकिन अभ्यर्थियों के पास सबूत है और ये इनका कहना है कि पेपर आउट हुआ है, जिसके सबूत सभी अभ्यर्थियों के पास है और ये दिखा भी रहे हैं, क्योंकि 1:30 बजे का पेपर 9:30 बजे अगर आ जाएगा तो उसको पेपर आउट ही माना जाता है, जिसके बाद टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पे भी पोस्ट किया गया है, लाखों लोगों ने इसको देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी बात करने नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थियों की सिर्फ एक मांग है
कि दोबारा पेपर कराया जाए और जो पेपर आउट हुआ है इसकी सही से जांच होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा सरकार का अगला रुख क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों की नाराजगी है और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर दोबारा पेपर नहीं कराया गया और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। लखनऊ से सफिया में टीवी 9 भारतवर्ष।